जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। नेशनल पॉइंट जी जट साहब, मैं अपने आपके साथ से अपने जो है देखने वालों को बताऊंगा कि मैं आरपी प्रोडक्शन चैनल से मूव हो चुका हूं नेशनल पॉइंट पे, और मेरा मदर इदारा था आरपी प्रोडक्शन, मेरी वेल विशेज हमेशा उसके लिए है। और जो भी मेरे नाज़रीन ये प्रोग्राम देखे उनसे गुजारिश है कि आप नेशनल पॉइंट पे मूव हो जाएं, और अगर उन्होंने मेरी कोई बकवास सुननी है तो वैसे तो आप जोन से मेरे चैनल पे आप अपना प्रोग्राम देख सकते हैं। जी जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम दिया हमें। जी नाज़रीन, दुआ धारा केस में जो है बहुत बड़ी जो है एक न्यूज आई है कि वहां पे सिंध हाई कोर्ट में जो जो डॉक्टर फातिमा थी उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। मेहदी साहब ने जो जहीर के खिलाफ जो जमानत की जो दरखास्त की थी उसको भी बर्खास्त कर दिया गया है। जहीर ने जो काउंटर दरखास्त दी थी मेहदी साहब के खिलाफ उसको भी बर्खास्त कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही मामला क्या है, क्यों मामला जो है ये जो केस है चैंबर में पेश किया गया। ये तमाम केस की जो अंदरूनी जो हम जो तफसीलात हैं जज साहब से पूछते हैं कि असल वाकया क्या पेश है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भट्ट साहब। जी जज साहब, आप बताए ना हमारे नाज़रीन को जो नई हेयरिंग जो आई है इसमें क्या मामला पेश है। सब कुछ धर्म भरम हो गया, अदालत किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है अब। भट्ट साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, केस के अंदर डेवलपमेंट्स आ रही जी जी, और आज से एक रोज कबल जो है ना वो कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स आई। हुआ ये कि बच्ची का एक नफसियाती मुआयना करने के लिए सिंध हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था, और उसके लिए सिंध हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा था कि दो सीनियर माहिर नफसियात जो हैं ख्वातीन उनको अपॉइंट करें। सेक्रेटरी हेल्थ ज़ुल्फ़िकार शाह साहब ने ये काम किया कि उन्होंने एक तो सीनियर डॉक्टर अपॉइंट की, दूसरा उन्होंने एक नफसियाती मरीजा डॉक्टर ही अपॉइंट कर दी। ठीक हो गया। अब वो जो नफसियाती मरीजा डॉक्टर साहबा थी वो कहीं शायद उन्होंने जहीर के साथ हाथ मिला लिया, या जहीर का कोई टेढ़ी टांगों वाला कोई एक तर्जमान है उनके साथ इन लोगों के साथ हाथ मिला लिया, और उसने ये करना शुरू कर दिया कि मेहदी काजमी को मैसेजेस अजीब अजीब करने, वो ज़हनी मरीजा भी थी थोड़ी, कि वर्ल्ड वॉर थ्री आने वाली है, कभी जिमरान नासर को मैसेज करने लग गई, मेहदी काजमी को कहती मुझे बहन बना लो बच्ची वापस मिल जाएगी, कभी पुलिस सर्जन के घर घुस जाती थी, वो अजीब जी भरकत आउट ऑफ वे जाके काम कर रही थी। तो वो उसकी बाबत जो है वो इस प्रोसीडिंग से पहले ही 1 नवंबर को ये मामला फिक्स था सलाउद्दीन पावर साहब के पास, जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास, और उन्होंने 28-29 तारीख को ही प्रोसीडिंग कर दी कि सेक्रेटरी हेल्थ को बता दिया ये सब कुछ जिबरान नासर ने, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ ने कोई कार्रवाई नहीं की डॉक्टर साहब के खिलाफ। वो 1 तारीख को अदालत में पहुंच गई, और अदालत में आके उन्होंने एक नया कट्टा खोल दिया कि जी मुझे तो 5,000 रुपये और एक सूट का तोहफा दिया है मेहदी काजमी ने ताकि मैं इसके हक में रिपोर्ट बना लूँ, जो अदालत के लिए भी मानने वाली बात नहीं थी कि 5,000 रुपये और एक सूट और उसकी बाबत इतना बड़ा काम और ये वो सारी चीज़ें। और जिसके बाद अदालत ने अंदाज़ा किया है कि ये औरत जो है थोड़ी खुद भी नफसियाती मरीजा है, जिस पर अदालत ने उनको साइड पे किया और फौरन हुक्म दिया कि इस डॉक्टर साहब को निकाल दें। जैसा उन्होंने एक बात और भी कही थी कि जी मैंने अपना यूरिन टेस्ट करवाया जाके, उसमें मुझे ये जो रिपोर्ट आई इसमें कहा कि मुझे ड्रग्स दी गई उन्होंने, तो क्या उस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के खिलाफ इल्जाम लगा रही थी? यानी कि उनका चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर गई, सरकारी इदारा है वो भी, वहां गई मुझे चाय के अंदर किसी ने कुछ घोल के पिला दिया जिसका कोई सबूत उनके पास नहीं था, लेकिन जब उनकी पास्ट हिस्ट्री का पता चला, क्योंकि उनके कुछ भाइयों की डेथ हुई थी, कुछ ट्रॉमा था उनका अपना भी, वो जब पता चला तो वो समझ आई कि खातून जो है वो पहले अच्छी खासी हिली हुई है, और वो सीनियर डॉक्टर भी नहीं थी, वो बहुत ही कोई जूनियर किस्म की खातून डॉक्टर थी, जिस तरह से हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था वो उस कैटेगरी में आती नहीं थी, इसलिए हाईकोर्ट ने फौरन ये हुक्म दिया कि इसको तो बाहर निकाले, नया बोर्ड बनाए, जो एक दूसरी सीनियर डॉक्टर साहबा काम कर रही हैं वो रहेंगी, उनके साथ नई डॉक्टर ऐड करें, और दोबारा से 15 दिन के अंदर अंदर बच्ची का मुआयना करें और लाकर रिपोर्ट हमें। लेकिन जट साहब देखें, आप इस केस पे काम कर रहे हैं एज अ जो है एडवोकेट लॉयर, तो आपको नहीं लगता जो हमारी ऑडियंस है, जो एक जो दुआ के हक में ऑडियंस है और एक जो 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 गंदी ऑडियंस जो जहीर के हक में भी जहीर को सपोर्ट करती है, क्या इनमें तजाद नहीं फैल जाएगा? जब इन्होंने ये बात की डॉक्टर साहबा ने कि वो लड़की तो ये थी, उन्होंने मुझे ऑफर दी, मुझे उन्होंने पैसे खरीदने की कहा, तो क्या अब अगर फैसला अब जो है मेहदी साहब के हक में आएगा तो लोग ये नहीं समझेंगे इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है? नहीं नहीं, तो खातून ने खुद मीडिया के सामने खड़े होकर जब बयानबाजी की तो लोगों ने फौरन समझ लिया कि जिस तरह लाहौरी अदाकारा फेल हुई है ना, ये उसका भी फ्लॉप वर्जन था, वो इससे कम अज कम जो है वो फ्लॉप एक्ट्रेस नहीं थी, वो इससे ये उससे भी गई गुजरी फिल्म थी, तो वो लोगों ने उसी एक मिनट भी नहीं लगा लोगों को, यकीन माने बाट साहब वो आप भी वीडियो देखे ना तो 1 मिनट के बाद आप कहेंगे यार ये पागल है, तो वो तो 1 मिनट लगा लोगों को। दूसरा ये कि मेहदी काजमी ने तो इन्फ्लुएंस किया ही नहीं, और मुझे ये बताएं कि इतने बड़े केस के अंदर 5,000 रुपए और एक सूट के अंदर काम हो सकता है?
ये काम तो पहले दिन से ही हो जाना था, फिर इससे ज्यादा भी हो सकता था, लेकिन ये बिल्कुल वो फजूल बेबुनियाद बात थी। और आपको मजे की बात बताऊं, अदालत के अंदर वो औरत जहीर के साथ बैठी थी, ये तमाम लोगों ने बात सुनी है कि वो जहीर को कह रही, ऑन रिकॉर्ड है ये बात डिस्कस हुई है मीडिया के ऊपर, वो जहीर को कहती है आज मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी वरना मैं अपनी नसें काट लूंगी जज साहब के साथ। नहीं, उसको जहीर से इश्क तो नहीं हो गया था, हो सकता है, आपको पता है कि जहीर के अंदर जहीर के, तो है। जहीर के तिखे नए नक्शे हैं, तो कहीं उसको दिल पे ठुक गए होंगे आगे, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दे दूंगी ऐसे। लेकिन अब जो चैंबर में जो मामला पेश आया, तो वहां पे मैदी साहब ने भी कुछ दरखास्त जमा करवाई थी जहीर के खिलाफ, मैसेजेस कर रहे थे। बेसिकली हुआ ये कि जब ये सारी एपिसोड हुई, जज साहब ने उस खातून डॉक्टर को निकाल दिया, नई डॉक्टर अपॉइंट करने के लिए कह दिया, तो वो खातून डॉक्टर साहबा ने जो रिपोर्ट दूसरी डॉक्टर साहबा ने बनाई थी और उन्होंने कहा था कि अभी मेरी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, मैं नहीं दूंगी, उस रिपोर्ट की कॉपी अपने फेसबुक अकाउंट पे चढ़ा दी, देखना। और उसके अलावा टेढ़ी टांगों वाला कराची का शैतान है दूसरी पार्टी का, उसको दे दी, और उसके थ्रू किसी वो 10-12 जमातें पास इसकी मुलाजमा है जहीर की लाहौर में, उसको दे दी। इस तरह उसने लोगों में फैला दी। कैसा लगा वो फैलाने के बाद, मतलब उसके अंदर भी ऐसा लगाया गया है कि बच्ची की थेरेपी की जरूरत है, बच्ची ट्रॉमा में है, वालदैन के हक में ही है, लेकिन हम चूंकि कानूनी तौर पर नहीं चाहते थे कि वो रिपोर्ट अभी पब्लिक हो जब तक मुकम्मल ना हो जाए सब, बिल्कुल ऐसे ही हमने तो अपनी ईमानदारी शो की, लेकिन उसने फेसबुक पे लगा दी। और साथ उसने बच्ची के नाम से मंसूब करके अपने हाथ से एक बयान लिख के, खत लिख के बच्ची कह रही है, जो एक मिनट में फारिग हो गया कि वालदैन ने भी तस्दीक कर दी कि ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं है, और वालदैन उसी वक्त मिलने भी चले गए बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कि हम, और उसी दिन बच्ची के साथ वालदैन की दोबारा मुलाकात भी होगी। जैसा बस इन तमाम मामला से एक चीज तो नजर आती है कि जहीर के पास शायद कोई ना कोई आमली बंगाली बाबा है, तो जो बंदा भी इसके साथ खड़ा होता है वो इसके छोड़ते ही नहीं है। ऐसे हमारे पाकिस्तान लाहौर के यूट्यूबर्स देख रहे हैं, इसकी जान नहीं छोड़े, वो इसको कहते हैं हम फतह दिला के छोड़ेंगे, वो डॉक्टर साहब डॉक्टर फातिमा जो है वो भी इसके गुनगीत गा रही है, क्या मामला है। जी वाला बंदा असल में देखिए, उसने बंदे ऐसे चूज किए हैं ना, कोई छोटा मोटा नया नया ताजा ताजा वकील, कोई टेढ़ी टांगों वाला कम तनख्वाहदार साफी, टूटा साफी यूट्यूबर, टूटा साफी कह लें, मतलब उस बेचारे 40-50 हजार में व्हाट्सएप आपको देता है, 18 साल तजर्बा आपका हो जाए, 40-50 हजार आपकी इनकम हो, बच्चे बाल बच्चे सब कुछ कैसे चलाएंगे काम। तो जब इस तरह के लोग सोसाइटी के अंदर होते हैं तो फिर वो हायर कर लिए जाते हैं, और वो उसने हायर किए हुए हैं। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो कोई जादू करता है, कोई चीज लाता है, वो पैसा फेंकता है, और आपको पता है पैसे के सामने ये लेटने वाले लोग हैं, इनका यानी कि इस चीज से एक बात तो सबूत, एक बात साबित होगी, तमाम मामला पैसे पे चल रहा है, ऐसे पैसा दी जा रहा है और वो मामला हो जा रहा है। और सर जब साहब उसके बारे में थोड़ा रोशनी जाने जरा कि वो जो मेहदी साहब ने एक दरखास्त जो थी डाली थी जहीर के खिलाफ और अदालत ने वो रिजेक्ट कर दी, वो क्या मामला? वो मेहदी काजमी साहब ने दरखास्त दी थी कि जब जहीर ने उनको कुछ मैसेजेस किए, एक वॉइस नोट भेजा कि आपकी एक बेटी तो चली गई, दूसरी बेटियों का सोचें, वो वॉइस नोट भेज कर जब वो सुन रहे थे उसने डिलीट कर दिया। ये वो किसने वॉइस नोट भेजा था? वो जहीर के नंबर से गया था। नहीं, जहीर के नंबर से देखें, मेहदी काजमी नहीं, वो तो कोर्ट ने देख लिया, उन्होंने आवाज सुनी वो किसकी थी? वो जहीर की थी ना, जहीर की खुद आवाज, अपने मोबाइल से व्हाट्सएप है, अगर वो जहीर की आवाज हो या ना। उन्होंने क्या मैसेज भेजा? उन्होंने कहा कि आपकी एक बेटी तो चली गई, आप बाकी बेटियों का सोचें। वाह भाई वाह, इस तरह की धमकी, यानी वो ऊपर फिर मेहदी काजमी ने, यानी कि वो उनकी बच्ची की तस्वीर, मुझे जुगत आई है ना, यानी वो डंडेनुमा बदमाश ने मैसेज भेजा, डंडेनुमा बदमाश ने, उसने 2 साल की जो बच्ची है मेहदी काजमी साहब की, उसकी तस्वीर अपनी व्हाट्सएप डीपी पे लगा के दिखाई। मतलब ये एक धमकी और मेज किस्म का मैसेज है ना, कि मतलब एक तो सब कुछ है, तो वो उसके ऊपर उन्होंने एक जमानत मनसूखी की दरखास्त दी। अब लेकिन चूंकि वो मैसेज डिलीट हो चुका था, आपको पता है जमानतों के मामला होते हैं बादी नजर में क्या नजर आ रहा है, सामने क्या नजर आ रहा है, तो कोर्ट ने कहा यार टेंटेटिवली तो मुझे नजर नहीं आ रहा मैसेज, ये पता चल रहा है कि मैसेज डिलीटेड है। आपको पता है जब मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज भेज के डिलीट करूंगा तो शो हो रहा होगा मैसेज हैज बीन डिलीटेड, तो वो आ रहा था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मेरे सामने वो चीज नहीं है, मैं किसी की आजादी छीनने वाला काम इतना बड़ा नहीं कर सकता। जिस पर कोर्ट को जिब्रान नासिर की तरफ से बताया गया कि हमने FIA में दे दी है दरखास्त वेरिफिकेशन करने के लिए, उन्होंने कहा फिर तो मसले हैं, आपने FIA में दे दी, तो वहां से आएगी तो होगी, फिर देख लेंगे, अभी आपकी दरखास्त खारिज कैंसिल है। और आगे बदमाशी देखें कि जहीर ने भी एक 2 दरखास्तें दायर कर दी कि मेहदी काजमी झूठ बोल रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, चलो वो भी अदालत ने फिर फड़का के परे मारी, तू बड़ा चौधरी बनी फिर चौधरी, तो वो इस चक्कर में, यानी कि दोनों की जो क्रॉस थी एप्लीकेशन वो हो गई मुस्तरद हो गए। यानी कि इस केस में जो सबसे अहम पेशरफ्ती वो क्या हुई? जाता पेशरफ्ती हुई है कि जो माहिर नफ्सियात का मुआयना चल रहा है जी जी, वो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि बच्ची का असल स्टेटस पता चलेगा। देखिए आप मैं हर बंदा जो है ना वो अपने दिल से सही समझ के चल रहा ना, लेकिन असल तो हमारे लिए वो सामने असल चीज आएगी, ठीक है, तमाम दुनिया के लिए आएगी कि बच्ची की असल हालत क्या है। दूसरा ये
कि जो इन मदई मुकदमा के जो मदई मेहदी अली काजमी है, 6 माह से वो अपनी बेटी को नहीं मिले थे। बिल्कुल, पहले 5 घंटे के लिए मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद दोबारा फैमिली कोर्ट ने 31 अक्टूबर को फैसला कर दिया उनके हक में। अच्छा, और यहां पे 3 घंटे फिर यहाँ पे मैं एक चीज आपसे और भी मैं आपसे बात डिस्कस कर लूँ कि कुछ लोग जब मैंने वीडियोस लास्ट टाइम भी अपलोड की तो उन्होंने कहा जनाब ये मेहंदी साहब की रजामंदी से जनाब इनको ज्यादा दी गई है। क्या एक बात यहाँ पे क्लियर करें, अब मेहंदी साहब की जो दूसरी मीटिंग जो हुई है 1 नवंबर को, ठीक है, अपनी बेटी के साथ, ये दोनों की बाहमी मुश्तरक रजामंदी से हुई है? बेटी की अगर बेटी यहाँ पे अगर उसका हुआ यह कि जब पहली 5 घंटे की मुलाकात हुई तो हाई कोर्ट ने एक जज साहब को हुक्म दिया कि आपने जाके बैठना है मीटिंग में, आपने देखना है क्या बात हुई। वो जज साहब ने रिपोर्ट जमा करवाई, जज साहब की रिपोर्ट। उन्होंने ये कहा कि मैं गई, मुझे ये हुक्म मिला कि पता करो, मैं वहां गई, मैंने वहां जाके दुआ जारा से पूछा, वो उनकी देखे जजेस की रिपोर्ट है, जज रिपोर्ट जमा करवा रही है, रिटर्न है। उन्होंने कहा कि जी मैंने जाके दुआ जरा से पूछा कि तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू और बहनों से मिलवाने का हुक्म है, तुम्हारी क्या मर्जी है? ठीक हो गया। उसने कहा जी मैंने मिलना। फिर वो कहती जब उसने इजाजत दे दी, फिर हमने माँ बाप को बुलाया, बच्चियों को बुलाया, और हमारे सामने वो 5 घंटे आपस में बातें करते रहे। और फिर वो लिखती है कि माहौल बहुत खुशगवार था, अच्छे तरीके से मुलाकात हुई, इनका आपस में टाइम गुजरा। 5 घंटे के बाद वालदैन अदालती हुक्म के बल, जिस तरह अदालत ने हुक्म दिया था, वापस चले गए अपने घर। ये जो इनके मुहालिफ झूठे वकील हैं जो जहीर को सपोर्ट कर रहे हैं लाहौर के, उन्होंने ये कहा कि 5 घंटे की मीटिंग में जो दुआ ज़हरा थी वो अपनी वालदैन को यही कहती रही कि अगर आप जहीर को मेरे शाहिद कपूर को अपनाएंगे तो मैं आपके साथ खुश हूँ। इस बात में कितनी तस्दीक है? जहीर के वकील है ही नहीं वो। वो नहीं है जहीर के वकील? नहीं है वो, वैसे अफवाह फैलाने के लाहौर में, कराची होता है वो, लाहौर में उसका साइन करके दे देते हैं वकालतनामा। वो कहते हैं जनाब जी मुझे हाल भाई है, हम उसका करियर खराब नहीं करते इस चीज पे। वो अभी नया नया आहिस्ता आहिस्ता देखें, बहुत सारी चीज़ें हमारे उस्ताद सिखाया करते थे, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग। जब आपको नहीं पता होता ना किसी चीज़ का, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। अभी चूंकि उसको इस पेशे के डेकोरम का नहीं पता, एथिक्स का नहीं पता, इसलिए वो लगा हुआ है, इग्नोरेंस है ना। बिल्कुल। जब उसको समझ आएगी कि यार हमारी हमारी वकालत के जो एथिक्स हैं वो हैं क्या, फिर घबराएगा कि यार मैंने क्या करता रहा। तो अभी इग्नोरेंस में है और उसके लिए ब्लेसिंग है। और ये जो सर जैसा जो दूसरी जो इनकी मीटिंग हुई है 1 नवंबर को, जो जो अपने हमारे नफ्सियात की मौजूदगी में हुई है, तो उसमें ही बच्ची खुश थी अपने माँ बाप के साथ? दोनों दफ़ा मुलाकात मुकम्मल हुई है और बिल्कुल उस मुलाकातों की रिपोर्ट आई है। बाकायदा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर ने कहा है कि जी वो आए, फिर इजाज़त ली गई बच्ची से, मिलना चाहते हैं। ठीक हो गया। ये तो वो लोग हैं ना जिनका आप कह रहे हैं, वो तो कहते थे कि जाए मिले तो फिर देखा जाए, वो तो मिलेगी नहीं, तो शक्ल नहीं देखना पसंद करेगी, तो लानत तो उस दिन इन लोगों के मुंह पे। तो पहली दफा 5 घंटे मिले। जज साहब इसमें कितना प्रोसीजर है? क्या एक वालदैन जो मेहदी साहब है क्या हर हफ्ते मुलाकात कर सकती है? इसका भी नहीं, अभी जो स्केड्यूल बना है फिल वक्त वो महीने में 2 दफा का बना है, महीने में 2 दफा तारीख को वो भी, और 16 तारीख वो भी बच्ची की रजामंदी से, वो बच्ची की रजामंदी के साथ। बच्ची ने कहा नहीं मिलना तो नहीं, बच्ची के ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, अगर बच्ची ना कर देगी तो नहीं। अब दूसरी साइड पे हम आते हैं कि जहीर को क्यों मुलाकात नहीं दी जा रही, क्या उसका जो प्रोसीजर है वो क्या मामला है? वो 7 तारीख को दोबारा फिक्स है मामला। देखें बच्ची का मुआयना चल रहा है, जहीर जो है वो है कौन इस केस में? कुछ भी नहीं है, वो मुल्जम है। मुल्जम और मुल्जम किस चीज का है? जिन ऑफेंसेस की सजा सजाए मौत और उम्र क्या है? बिल्कुल। वो बच्ची का ठेकेदार तो है नहीं कि बच्ची का वो जो बन के फिर रहा है मुबैना तौर पर शौहर, अपने आप को कहलवाता है अपने कुछ मुलाजमी खास, जो उसका मुलाजम वो टेढ़ी टांगों वाला कराची वाला, वो उसको उसका जो खास मुलाजम है, प्रोटोकॉल अफसर भी है, जो लोगों को मीडिया वालों को फुटेज बनाने से भी रोकता है, उसके सामने 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 चलता है, तो ये उन लोगों के जरिए अपने आप को अहलिया, उसको अहलिया लिखवाता है और खुद को शौहर कहता है। लेकिन अदालत के अंदर इसका निकाह चैलेंज हुआ हुआ है, अदालत के अंदर इसके खिलाफ चलान चल रहा है, संगीन किस नोयत के जो इल्जामात हैं वो इसके ऊपर हैं और ये ट्रायल भुगत रहा है। यानी कि ये जब जेल होके आया है, जेल होके यानी जब तक हमारी बेटी जो दुआ है इसका मामला सॉर्ट आउट नहीं होगा, इसका हतमी बयान नहीं आएगा, तब तक अदालत इसको मिलने की इजाजत नहीं देगी। अभी तक तो बजाय यही है, क्योंकि अदालत को हम तो यही असिस्ट कर रहे हैं कि ये तो मिल गया तो फिर तो बयान ही बदल जाने। अब देखिए बच्ची माँ बाप से मिल रही है, ये लोग कहते थे बच्ची मिलना नहीं चाहती, जब इनके पास बच्ची बैठती थी, लाहौर से अरशद समा टीवी के नुमाइंदे गए थे इंटरव्यू करने और वापस आके उन्होंने इंकशाफ किया था कि बच्ची से मैं सवाल करता था और ऐसे जहीर की तरफ देखती थी, जो जहीर कहता था वो जवाब देती थी। यानी इसका मतलब अब मामला बिल्कुल उल्ट हो चुका है। जाहिर देखिए ना, बच्ची इंडिपेंडेंट रहना लगी है, सरकारी तहवील में है, अब माँ बाप से मिलने लगी, इसका मतलब है कि बच्ची के ऊपर कोई दबाव था। वो खुद जहीर ने अपने मैसेजेस में ये माना हुआ है कि मैंने जबरदस्ती उसको दारुल अमान में भेजा था, वो जाना नहीं चाहती थी। तो बेशुमार ऐसी चीजें हैं व्हाट्सएप जिसमें साफ वाजे हो रहा है। बाकी जब ये मायरे नफ्सियात की रिपोर्ट मुकम्मल होगी
आप यकम से 15 तारीख के लिए जहन में रखें, 15 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है, बच्ची की रिपोर्ट आ जानी है, और उस रिपोर्ट के बेस पे हतमी फैसला फिर होगा। उस रिपोर्ट के बाद फिर अब देखिएगा चीखें निकलते हैं। और अभी फिलहाल अभी तो ये कह रहे हैं कि वो रिपोर्टें बड़ी ठीक हैं, जो रिपोर्ट लीक हुई है सारा कुछ वही डॉक्टर रहेगी, रिपोर्ट भी वही होनी है उसी तरह की। उस वक्त इन्होंने कहना है, उन्होंने डॉक्टर पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया जब वो असल हकायक सच सामने लेके आएगी। तो आपको क्या लगता है जट साहब, इस केस में जो गुमराह कुना, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका कितना किरदार है इस केस को खराब करने में? देखें जी, जितने भी इदारे, आप हो गए या बाहर नफ्सियात डॉक्टर हो गए या हमारे मौजूद जज साहब हो गए, हम लोगों ने तो उनकी बेस पे फैसला सुना ना, एंड पे आ गए। देखिए ये वैसे ना कोई मामा बना हुआ है, कोई फुफी बनी हुई है, कोई चाचा बना हुआ है बिला वजह, कोई इनका रोल नहीं है, कोई इनका ताल्लुक नहीं है मामले से, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बस कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सोसाइटी में तय किया होता है कि हमने सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ जाना है। माशरे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के लोग आपको मिलते हैं भट्ट साहब, बिल्कुल। उन कुछ लोग हैं जिनका माशरे के लिए तामीरी किरदार होता है, वो चाहते हैं कि माशरे के अंदर अच्छी चीज़ें आएँ, अच्छी हमारी वैल्यूज़ हों। कुछ लोग हैं जिन्होंने तय किया होता है, वो नेगेटिव साइड पर चलते हैं। ये आपके सामने ये लोग नेगेटिव हैं, जो चाइल्ड मैरिजेस को सपोर्ट करते हैं, जो बच्चियों के मुँह से माँ बाप के लिए इस तरह के फिक्रे निकलवाते हैं, जो वालदैन के ऊपर इस तरह का घिनौना इल्ज़ाम कि उनका अपनी बच्ची के ऊपर अल्लाह माफ़ करे इस तरह की कोई आंख है, इस तरह की बात कर जाएं, वो लोग पॉजिटिव हो सकते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर नहीं, मुसलमानों के अंदर नहीं, किसी भी मज़हब में, किसी भी मुल्क में गंदे अंडे हैं, गलत लोग हैं, घटिया लोग हैं। बहुत शुक्रिया जैसा साहब, आखिर में ये बता दें, आपके अंदाजे के मुताबिक कितने दिन और कितने हफ्ते ये ट्रायल चलेगा और कब इसका हतमी फैसला आएगा? अभी ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, जो शुरू ही नहीं हुआ। क्रिमिनल साइड वाला ट्रायल है वो शुरू ही नहीं हुआ, उसमें 6 मुल्ज़मान मफरूर हैं। ज़हीर शबीर की वालदा सरे फहरिस्त है, सिंध पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही, इस तरह की चीज़ों की वजह से अभी लिंगर ऑन हो रहा है। और अभी अगर ये इस महीने शुरू हो जाता है तो फिर 2 महीने का आप टाइम दे, 2 महीने में हर चीज़ क्लियर हो, अगर शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी प्रॉपर चार्ज फ्रेम जब फर्दे जुर्म आयद हो जाएगी तब हम कहेंगे कि शुरू हो गया। अच्छा जट साहब, एक आखिरी चीज़ है कि ये मेडिकल इनकी रिपोर्ट आ जाती है जो इसकी साइकेट्रिस्ट किया है, उसके बाद हतमी रिपोर्ट, उसके बाद भी क्या लड़की से पूछा जाएगा कि आपने किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना? बच्ची की तो पूछने वाली बात ही है नहीं, ना नहीं है, वो बच्ची माइनर है, ठीक हो गया। अभी वो जो रिपोर्ट्स लेके ये फिर रहे हैं ना, उस रिपोर्ट के अंदर ऐसी चीजें डॉक्टर साहब ने घुमाई हैं, इन लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि इंग्लिश में है रिपोर्ट, कोई 10 जमात पास है, कोई 12 जमात पास है, इस तरह के तो लोग हैं सारे जो बात कर रहे हैं। जब उसके ऊपर सही हम बात करेंगे रिपोर्ट के ऊपर, इंशाल्लाह आपको भी बताएंगे, इंशाल्लाह इन लोगों को लग समझ। और डॉक्टर फातिमा को जो सुना ड्यूटी से सस्पेंड भी कर दिया गया उनको महकमे से, और उन्होंने ठेला लगाने का भी कह दिया कि मैं चिप्स का ठेला लगा दूं। और उनको किस वजह से सस्पेंड किया, जो उन्होंने एफआईआर रिपोर्ट जो रिपोर्ट पब्लिक की थी, हालत है। सेकंडली उन्होंने इस, ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज है, एक हाई प्रोफाइल केस है, उसकी रिपोर्ट को अपनी फेसबुक पे लगा दी और साथ कह रही है शेयर करो शेयर करो, पागल हुई है और अजीब अजीब इल्जाम लगा रही है मेहदी काजमी पे। वो मुझे फोन कर रहा है, ओ भाई फोन दो, उनके मैसेजेस निकाल के, अब जहां पे ये चीजें वायरल कर रही है वहां मैसेजेस वायरल कर दो उसके, वो भी नहीं कर, कुछ भी नहीं है। और इसकी नेक्स्ट ट्रेनिंग का सर, आप 7 तारीख को ज़हीर की मुलाकात वाली हेयरिंग जी जी, और 12 तारीख को जो ट्रायल कोर्ट है उसकी हेयरिंग है, और 15 तारीख 15-16 में एक्सपेक्टेड है कि ये नफ्सियाती मामला नफ्सियात की रिपोर्ट आ जाएगी। जी नाज़रीन, देखिए हमने आपको तमाम अंदरूनी कहानी बताई कि क्या वहाँ पे दुआ के अपने वालदैन से क्या मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई। मौजूद जज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बड़ा खुशगवार माहौल था, और हमारे मौजूद दोस्त अहमद शेख जट साहब ने बताया कि इंशाल्लाह 7, 12 और 15 इन 3 तरीकों में दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा कि बच्ची क्या चाहती है क्या नहीं। अपने इस मेज़बान इर्तज़ा भट्ट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और मेरी एंड पे गुजारिश है आपकी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नेशनल पॉइंट चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।